नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल साहित्य सृजन पर। आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी MA हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, रवातक अभिलेख किसके राजत्व के सिद्धांत पर प्रकाश डालता है? इसके ऑप्शंस है ए इंडो ग्रीक, बी पार्थियन, सी शक क्षत्रप, डी कुषाण। तो इसका आंसर होगा डी कुषाण। सेकेंड क्वेश्चन है, निघंटु और निरुक्त ग्रंथ है व्याकरण के, शब्दकोश के, दर्शन शास्त्र के, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी शब्दकोश के। थर्ड क्वेश्चन है, मिताक्षरा टीका है निम्नलिखित स्मृति की। तो इसका आंसर होगा ए याज्ञवल्क्य स्मृति। फोर्थ क्वेश्चन है, तर्क ए, बुद्ध और महावीर की मूर्तियों के प्रतिमा लक्षण में कई समानताएं हैं। कारण है, बुद्ध और महावीर के शिल्पों पर पश्चिमी एशिया का प्रभाव रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध दर्शाता है? तो इसके ऑप्शन से ए और आर दोनों सही है और आर ए का एक कारण है, और सेकेंड है बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का कारण नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा सी आंसर, ए सही है पर आर गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन है, मेगुती मंदिर कहाँ है? ए हम्पी, बी पटदकल, सी एहोल, डी हलेवीड। तो इसका आंसर होगा सी एहोल। इनमें से कौन सा अश्व घोष के द्वारा लिखा गया था? दिव्यावदान, महावंश, सौंदरनंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी सौंदरनंद। मध्य भारत में हूनों की उपस्थिति की पुष्टि निम्नलिखित शिलालेख से होती है, ए सांची, बी एरन, सी तिगवा, डी जूनागढ़। तो इसका आंसर होगा बी एरन। एट क्वेश्चन है, तर्क ए, दक्षिण पूर्वी एशिया में कई हिंदू और बौद्ध इमारतें पाई जाती है। कारण, दक्षिण पूर्वी एशिया की सारी हिंदू बौद्ध इमारतें प्रवासी भारतीय स्थिति शिल्पियों द्वारा बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही संबंध दर्शाता है? इसके ऑप्शन से ए और आर दोनों सही है और आर ए का एक कारण है, और बी ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए का कारण नहीं है, और सी है ए सही है पर आर गलत है, डी है ए और आर दोनों गलत है। तो इसका आंसर होगा सी ए सही है पर आर गलत है। निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास का सही अनुक्रम है? तो इसका आंसर होगा ए और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। क्वेश्चन नंबर 10 है, मथुरा डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के लेखक थे? तो इसका आंसर होगा बी एफ एस ग्रॉस। इनमें से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित था? तो इसका आंसर होगा बी बैरी गाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा व्यक्ति गणितज्ञ था? ए यास्क, बी पतंजलि, सी ब्रह्मगुप्त, सी डी बुध घोष घोष। तो इसका आंसर होगा सी ब्रह्मगुप्त। भारतीय उच्च पुरापाषाण काल में कौन से उपकरण पाए जाते थे? तो इसका आंसर होगा सी फलक, दक्षिणी और बेधक। क्वेश्चन नंबर 14 में मिलान करना है, वानभट्ट,
शूद्रक, नागार्जुन और विशाखा दत्त को। तो बाणभट्ट का होगा कादम्बरी, और शूद्रक का मृच्छकटिक, नागार्जुन का मिलिंद कहो, और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस। तो यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही होगा। गुरदीप सिंह द्वारा राजस्थान के खारे पानी के तालाबों का पराग विश्लेषण दर्शाता है, तो इसका आंसर होगा ए, उत्तर हड़प्पा काल में वर्षा की कमी। क्वेश्चन नंबर 16 है, खिलजियों ने सबसे पहले किस प्रदेश पर कब्जा किया? दिल्ली, बंगाल, मालवा, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर होगा ए, दिल्ली। अमीर खुसरो का खजेन अल फुतुहु किसका वर्णन करती है? तो इसका आंसर होगा बी, अलाउद्दीन खिलजी के अभियान। निजाम अल दीन औलिया किसके मुरीद थे? इसके ऑप्शंस है मुइन अल दीन चिश्ती, बी बख्तियार काकी, सी बाबा फरीद अल दीन, डी नासिर अल दीन चिराग। तो इसका आंसर होगा सी, बाबा फरीद अल दीन। बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? अरबी, तुर्की, फारसी, मंगोल। तो इसका आंसर होगा बी, तुर्की। क्वेश्चन नंबर 20 है, बलबन की शासन प्रथा के बारे में कौन सा मध्यकालीन इतिहासकार जिक्र करता है? तो इसका आंसर होगा डी, हसन निजामी। हिजरत की तारीख क्या है? इसके ऑप्शंस है ए 630, बी 632, सी 612, डी 622। तो इसका आंसर होगा डी, 622। अग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इंडिया किसने लिखी? इरफान हबीब, डब्ल्यू एच मोरलैंड, इब्न हसन, आई एच कुरेशी। तो इसका आंसर होगा बी, डब्ल्यू एच मोरलैंड। निम्न में से कौन सी राजा टोडरमल की जप्ती के मुख्य विशेषताओं में से एक नहीं थी? इसके ऑप्शंस है भू सर्वेक्षण और नपाई, भू वर्गीकरण, दरें निर्धारित करना, द्विवर्षीय आंकलन आकलन। तो इसका आंसर होगा द्विवर्षीय आकलन। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने विजयनगर पर काम किया? ए फिलिप वैगनर, बी ब्रूस लॉरेंस, सी कार्ल अंसर्ट, डी जे एफ रिचर्ड्स। तो इसका आंसर होगा ए, फिलिप वैगनर। अली मोहम्मद खान की मीरात-ए- अहमदी कहाँ का क्षेत्रीय इतिहास है? इसके ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी बंगाल, सी कश्मीर, डी पंजाब। तो इसका आंसर होगा ए गुजरात। नुस्खा-ए-दिल कुशा जो औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया के लेखक कौन है? लाहौरी, मोहम्मद कासिम, भीमसेन, खाफी खान। तो इसका आंसर होगा सी, भीमसेन। किस इतिहासकार ने ये तर्क दिया कि मुगल साम्राज्य में शाहजहां के घराने केंद्रीकरण के मुख्य कारक थे? तो इसका आंसर होगा डी, मुनीस फारूकी। सिंथिया टेलबोट ने निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया? तो इसका आंसर होगा ए, काकातिया अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 29 है, इंडो इस्लामी साहित्य के पत्र लेखन की विधा को निम्न में से क्या कहा जाता है? अदब, इंसा, अखलाक, कसीदा। तो इसका आंसर होगा बी, इंसा। 18वीं सदी में
18वीं शताब्दी में निम्नलिखित प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ मासीर अल उमरा इनमें से क्या है? तजकिरा, कसीदा, मलफूज, तारीख। तो इसका आंसर होगा ए, तजकिरा। रिचर्ड ईटन ने तर्क दिया कि इसका ऑप्शन होगा सी, बंगाल में सामाजिक और धार्मिक बदलाव इस क्षेत्र पर्यावरण के परिवर्तन के साथ महत्वपूर्ण रूप से जुड़े हुए थे। कार्ल अंसर्ट ने निम्नलिखित में से किसके बारे में लिखा है? तो इसका आंसर होगा ए, इस्लाम में योगा को अपनाया जाना। यह तर्क किसने दिया कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापार ने 18वीं सदी में कुछ क्षेत्रों में औद्योगिकरण को जन्म दिया? इसके ऑप्शंस है के एन चौधरी, बी ओम प्रकाश, सी सुशील चौधरी, डी सी ए बेली। तो इसका आंसर होगा ए, के एन चौधरी। 17वीं और 18वीं शताब्दी के डच व्यापार के बंगाल पर हुए प्रभावों का अध्ययन किसने किया? पीजे मार्शल, ओम प्रकाश, इरफान हबीब, सी ए बेली। तो इसका आंसर होगा बी, ओम प्रकाश। किसने यह तर्क दिया कि 18वीं शताब्दी में सूरत का पतन महत्वपूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य के पतन से जुड़ा हुआ है? इसके ऑप्शंस है ए, पीजे मार्शल, बी आसिन दास गुप्ता, सी सी ए बेली, डी द्विजेंद्र त्रिपाठी। तो इसका आंसर होगा बी, आसिन दास गुप्ता। 18वीं सदी के पश्चिमी भारत के संदर्भ में एंग्लो बनिया व्यवस्था की संकल्पना किसने पेश की? इसके ऑप्शन है आसिन दास गुप्ता, एम एन पियर्सन, लक्ष्मी सुब्रमण्यम, पीजे मार्शल। तो इसका आंसर होगा सी, लक्ष्मी सुब्रमण्यम। 18वीं शताब्दी में निम्नलिखित मुंतखब अल लुबाब के लेखक कौन हैं? गुलाम हुसैन, तबातबाई, खाफी खान, भीमसेन, अली मोहम्मद खान। तो इसका आंसर होगा बी, खाफी खान। अदब साहित्य फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है? इसामी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन वर्नी, मिनहाज उल सिराज। इसका आंसर होगा सी, जियाउद्दीन वर्नी। किसने यह तर्क दिया कि उत्तरार्ध 17वीं व पूर्वार्ध 18वीं शताब्दी के मुगल साम्राज्य में जागीरदारी संकट था? ए सतीश चंद, बी जॉन एफ रिचर्ड्स, सी रिचर्ड ईटन, डी मुजफ्फर आलम। तो इसका आंसर होगा ए, सतीश चंद। बहमनी सल्तनत कहाँ मौजूद थी? बिहार, बंगाल, दक्कन, कश्मीर। तो इसका आंसर होगा सी, दक्कन। मराठी अखबार केसरी किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ए गोखले, बी रानाडे, सी तिलक, डी सावरकर। तो इसका आंसर होगा सी, तिलक। क्वेश्चन नंबर 42 है, इन पुस्तकों में से कौन सी डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने लिखी थी? तो इसका आंसर होगा अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, सी। बंगाल के कौन से गवर्नर जनरल ने सती के खिलाफ कानून पारित किया? ए लिटन, बी डलहौजी, सी रिपन, डी बेंटिक। तो इसका आंसर होगा डी, वेंटिक। 44 है,
इनमें से कौन सी पुस्तक दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई थी? हाई कास्ट हिंदू विमेन, तत्वबोधिनी पत्रिका, घरे बायरा बायरे, डी सत्यार्थ प्रकाश। तो इसका आंसर होगा डी सत्यार्थ प्रकाश। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला सभापित बनी? ए रमाबाई, बी एनी बेसेंट, सी सिस्टर निवेदिता, डी सरोजनी नायडू। तो इसका आंसर होगा बी एनी बेसेंट। सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन के नेता कौन थे? गांधी, अंबेडकर, पेरियार, तिलक। तो इसका आंसर होगा सी पेरियार। पुस्तक ओरिएंटलिज्म के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा एडवर्ड सईद, सी। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत खिलाफत मुद्दा निम्न में से किस देश के प्रति ब्रिटिश नीति से संबंधित था? तुर्की, अफगानिस्तान, इराक, ईरान। तो इसका आंसर होगा ए तुर्की। प्रसिद्ध बंगाली लेखक दीनबंधु मित्र के नाटक नील दर्पण 1860 में किसके उत्पीड़न का चित्रण है? इसके ऑप्शंस है ए हस्तकला कारीगर, बी हथकरघा बुनकर, सी आम आदमी, डी नील के किसान। तो इसका आंसर होगा डी नील के किसान। बायकोम सत्याग्रह केरल में किस उद्देश्य से शुरू किया गया था? ए निचली जातियों के मंदिरों में प्रवेश हेतु, बी मंदिर सेवा के लिए देव दासियों की दीक्षा पर प्रतिबंध, सी मंदिरों अंग्रेजों को मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाना, डी पुजारियों के रूप में गैर ब्राह्मण नियुक्त करने के लिए मंदिर के अधिकारियों पर दबाव। तो इसका आंसर होगा ए निचली जातियों के मंदिरों में प्रवेश हेतु। कैबिनेट मिशन योजना पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच प्रमुख असहमति यह थी कि, तो इसका आंसर बताती हूँ। इसका आंसर होगा ए कांग्रेस का मानना था कि प्रांतों के समूह वैकल्पिक थे, जबकि लीग का मानना था कि यह अनिवार्य था। सवाल्टन इतिहास लेखन किनके लेखों से प्रेरित हैं? तो इसका आंसर होगा बी एंटोनियो ग्राम्सी। निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा सी गुलामगिरी। 1916 के भारतीय औद्योगिक आयोग के अनुसार निम्न में से कौन सा श्रमिक समूह 20वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय श्रम का सबसे बड़ा समूह था? बागान श्रमिक, भूमि श्रमिक, खनन श्रमिक, हथकरघा श्रमिक। तो इसका आंसर होगा बी भूमि श्रमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55। ग्वालियर में महादजी शिंदे का उत्तराधिकारी कौन था? तो इसका आंसर होगा सी दौलत राव शिंदे। चौथे मैसूर युद्ध के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आर्थर बेलेजले, वॉरेन हेस्टिंग्स, रिचर्ड बेलेजले, चार्ल्स कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर होगा सी रिचर्ड बेलेजले। भारत की संविधान सभा का चयन किस आधार पर हुआ? तो इसका आंसर होगा बी संपत्ति और आय पर आधारित वोट का अधिकार। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसने कब किया? जवाहरलाल नेहरू 1963, लाल बहादुर शास्त्री 1966,
इंदिरा गांधी 1969, मोरारजी देसाई 1977। तो इसका आंसर होगा सी, इंदिरा गांधी 1969। भारत शासन अधिनियम 1919 इनमें से किसका परिणाम था? मोंटेक, तो इसका आंसर होगा बी, मोंटेक्यू जेम्स फोर्ड प्रस्ताव। क्वेश्चन नंबर 60 है, थॉमस मुनरो इनमें से कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से जुड़े थे? महलवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था। तो इसका आंसर होगा सी, रैयतवाड़ी व्यवस्था, बंदोबस्त। इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी थी? इसके ऑप्शन से ए, जवाहरलाल नेहरू, बी, वल्लभ भाई पटेल, सी, राजेंद्र प्रसाद, डी, अबुल फजल आजाद, अबुल कलाम आजाद। तो इसका आंसर होगा डी, अबुल कलाम आजाद। गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव काउंसिल में भारतीय प्रतिनिधित्व किस विधेयक के प्रावधानों के द्वारा संभव हुआ? तो इसका आंसर होगा ए, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। इनमें से कौन सा वक्तव्य गलत है? तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ए, ब्रिटिश क्राउन और रियासतों के बीच संबंध सिर्फ संधियों पर टिके थे। लैंड एंड सोवेरनिटी इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आंद्रे विंक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत से खरीदे जाने वाले मसालों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा था? ए, काली मिर्च, बी, दालचीनी, सी, जायफल, डी, जावित्री। तो इसका आंसर होगा ए, काली मिर्च। किस एनाल्स इतिहासकार की रचना का सही ढंग से मिलान किया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, मार्क ब्लॉक, फ्यूडल सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी जर्मनी में वाइमार गणतंत्र की स्थापना कब हुई? 1918, 1919, 1920, 1971। तो इसका आंसर होगा बी, 1919। इटली के राजा ने बेनितो मुसोलिनी को कब पद से हटाया था? तो इसका आंसर होगा सी, 1943। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सालों का गणतंत्र किस देश में स्थापित किया गया है? रोमानिया, इटली, पोलैंड, अल्बानिया। तो इसका आंसर होगा बी, इटली। 1941 में जर्मनी ने किस देश के विरुद्ध ऑपरेशन बर्बोरोसा शुरू किया? ए, यूनान, बी, सोवियत संघ, सी, स्पेन, डी, नॉर्वे। तो इसका आंसर होगा बी, सोवियत संघ। स्पेन के गृह युद्ध का तत्कालीन कारण इनमें से कौन सा था? तो इसका आंसर होगा ए, जनरलों का विद्रोह। 1938 के म्यूनिख समझौते के तहत किसके खिलाफ जर्मनी को कार्यरत होने की आजादी प्राप्त हुई? तो इसके ऑप्शन है ए, पोलैंड, बी, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रिया, सी, सुदेतेलैंड, डी, हंगरी। तो इसका आंसर होगा सी, सुदेतेलैंड। मंचूरिया में जापान ने कौन सा गणतंत्र स्थापित किया था? तो इसका आंसर होगा मांचू कुआं सी। सिंगापुर में अंग्रेजों का आत्मसमर्पण कब हुआ?
ए दिसंबर 1941, बी फरवरी 1942, सी मई 1942, डी जून 1942। तो इसका आंसर होगा बी फरवरी 1942। मई फोर्थ आंदोलन किसके खिलाफ विरोध के रूप में शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा बी वर्साय की संधि। 1845 से 49 के बीच आयरलैंड के अकाल का मुख्य कारण क्या था? ए आलू की फसल की बर्बादी, बी सूखा, सी गेहूं की फसल की बर्बादी, डी प्लेग। तो इसका आंसर होगा ए आलू की फसल की बर्बादी। कोलंबियन एक्सचेंज इनमें से किस इतिहासकार का हाइपोथीसिस है? इसके ऑप्शन से ए विलियम क्रोनो, बी अल्फ्रेड कोसंबी, डी डोनाल्ड बोरस्टर, डी जे एफ रिचर्ड्स। तो इसका आंसर होगा बी अल्फ्रेड कोसंबी। 78 क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सांस फूलो नाम किनके लिए इस्तेमाल किया गया? तो इसका आंसर होगा डी बगैर पतलून के शहरी गरीब। यूरोप के पुनर्जागरण के संबंध इनमें से किससे है? तो इसका आंसर होगा बी मानवतावाद। अंग्रेजी क्रांति इनमें से कौन से संप्रदाय से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा ए लेवेलर्स, लेवेलर्स ए। इनमें से कौन रिफॉर्मेशन से जुड़ा था? तो इसका आंसर होगा सी काल्विन। मैक्सिको के विजेता कौन थे? हर्नेडो कोर्टेज, कोलंबस, मेगेलन, वास्को डिगामा। तो इसका आंसर होगा ए हर्नेडो कोर्टेज। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में इनमें से कौन सक्रिय थे? तो इसका आंसर होगा बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनमें से कौन प्रबोधन से नहीं जुड़े थे? तो इसका आंसर होगा डी नीत्शे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन इतालवी रिसोजी मेंजो से नहीं जुड़े थे? तो इसका आंसर होगा ए अंतोनियो ग्रामची। क्रीमियन युद्ध किसके बीच लड़ा था? इंग्लैंड व फ्रांस, जर्मनी व रूस, तुर्की व इटली, इंग्लैंड व रूस। तो इसका आंसर होगा डी इंग्लैंड व रूस। इनमें से कौन से राजनीतिज्ञ 1870 से 71 के जर्मन एकीकरण से नहीं जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर होगा ए फ्रेडरिक एवर्ट। रूस में स्टोलीपिन सुधार के उद्देश्य क्या थे? इसके ऑप्शन से ए रूसी शहरों का सुधार, बी सर्प व्यवस्था का पुनर्स्थापना, सी रूसी नौसेना के आधुनिकीकरण, डी कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी विकास। तो इसका आंसर होगा डी कृषि क्षेत्र में पूंजीवादी विकास। चीन में 19वीं शताब्दी का सबसे बड़ा लोक विद्रोह कौन सा था? तो इसका आंसर होगा बी ताइपिंग विद्रोह। इनमें से कौन सा मेजेई रेस्टोरेशन का प्रत्यक्ष परिणाम था? तो इसका ऑप्शन है गोकुगावा सोगे सोगुनेट का अंत ए। एंड 91 है, बागोर, आदमगढ़ और सराय नहर राय के पुरास्थल किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर होगा ए मध्य पाषाण पुरास्थल में
पशुपालन की संभावना। सिंध की झुकर पुरातात्विक संस्कृति किससे संबंधित है? ए परिपक्व हड़प्पा संस्कृति, बी नवपाषाण संस्कृति, सी उत्तर हड़प्पा संस्कृति, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी हड़प्पा उत्तर हड़प्पा संस्कृति। पश्चिमी दक्कन में प्रारंभिक कृषि संस्कृति कौन सी है? सवालदा संस्कृति, जोरवे संस्कृति, मालवा संस्कृति, कायथ संस्कृति। तो इसका आंसर होगा ए सवालदा संस्कृति संस्कृति। त्रिपिटक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो इसका आंसर होगा डी जाति के उन्मूलन की वकालत करता है। 95 क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र का मत है कि भूमि का स्वामित्व निम्नलिखित के पास था। इसके ऑप्शन है ए ग्रामीण समुदाय, बी पूरी तरह राज्य के नियंत्रण में, सी निजी नागरिकों तथा राज्य के पास, डी कबायली मुखियों के पास। तो इसका आंसर होगा सी निजी नागरिकों तथा राज्य के पास। केवाड़तो का विद्रोह किसमें चित्रित है? ए हर्षचरित, बी विक्रमांक देवचरित, सी राज तरंगनी, डी रामचरित। तो इसका आंसर होगा डी रामचरित। यवनों द्वारा बौद्ध संघ को दिया दान किन स्थानों में अंकित है? तो इसके ऑप्शंस है ए सांची और जुनार, बी भरहुत और सांची, सी तक्षशिला और जुनार, डी भाजा और नागा अर्जुन कोंडा। तो इसका आंसर होगा ए सांची और जुनार। किस इतिहासकार की दलील है कि धर्म का नैतिक स्वरूप बौद्ध धर्म में निहित है, वेदों में नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी पेट्रिक ऑलिवेल। 99 क्वेश्चन है, अशोक के किस मुख्य शिलालेख में 8 वीकों का उल्लेख आता है? ए 5वां, बी 7वां, सी 12वां, डी 13वां। तो इसका आंसर होगा डी 13वां। क्वेश्चन नंबर 100 है, भूमि अनुदान के सर्वप्रथम ताम्रपत्र किस राज शासन से संबंधित है? ए सातवाहन, बी कुषाण, सी इक्ष्वाकु, डी वाकाटक। तो इसका आंसर होगा सी इक्ष्वाकु। थैंक यू फॉर वॉचिंग।